हेलो गाइस, आरआरबी के लिए जो क्लासेस चल रही थी अब तक आपकी, उसमें आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आपसे शेयर किए थे आरआरबी ग्रुप डी के कुछ पेपर्स। अब जो हम करने वाले हैं, अब आपकी रेगुलर क्लासेस लगने वाली हैं आरआरबी ग्रुप डी पे, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान मैथ्स और रीजनिंग पे रहेगा। उसके अलावा हम साइंस और करंट अफेयर्स के भी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। तो ये हमारा पहला जो वीडियो है, ये किस पर है? प्रैक्टिस क्लास पर। ये आप ले सकते हो एज अ प्रैक्टिस क्लास आपके लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उन्हें कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री क्लासेस। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज पहली क्लास में हमारा टॉपिक क्या है जिस पे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी में आने की जिनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है वह क्वेश्चंस। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक्स रेशो वाई किसके बराबर है? हमने माना 3:1 के बराबर है। किसके बराबर? तो यह बताइए, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, और सिंपल है आपके लिए। मैं सिंपल कर दूंगा, कैसे देखते हैं। देखिए, रेशो से जब भी हम कोई फैक्टर अलग करते हैं तो उसके साथ एक कॉमन फैक्टर हमेशा लेते हैं। जैसे मुझे इससे अलग करना है, तो जब मैं लूंगा एक्स बराबर, तो मैं क्या लूंगा? चलो मान लो मैं मान लेता हूं इसे के, तो ये क्या हो गया? 3k। और वाई बराबर 1k लूंगा, जिसे मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट के। देखो ये के क्या है, जब हमने देखा रेशो, रेशो में क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में वो कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है? जो सिर्फ कॉमन नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पर अगर लिख दिया होता 3k रेशो के से के कैंसिल, कितना बचा? 3। आप समझ गए, ये कॉमन फैक्टर बता रहा। अब हमें वैल्यू मिल चुकी है एक्स और वाई की, अब पुट करनी है बस। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है? 27। तो 27 के क्यूब रेशो माइनस के क्यूब रेशो 27 के क्यूब प्लस के क्यूब। के क्यूब कॉमन आ जाएगा दोनों में, कैंसिल क्यों किया था मैंने? यहां पर अगर देखोगे के क्यूब कैंसिल आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने के क्यूब को क्या कर लिया? या तो देखिए 27 के क्यूब में से के क्यूब गया तो कितना बचेगा? 27 के क्यूब प्लस के क्यूब कितना हो जाएगा? के क्यूब से के क्यूब कैंसिल, के की घात 3 हो गई थी, कैंसिल हो गया। अब 26 और 28 सम संख्या है, 2 से और कैंसिल होंगी, कितना बचा? 13 और 14। तो आपका आंसर क्या हो गया? 13:14। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन दिया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब यहां पर ये कैसा दिया हुआ है आपको? यहां पर दिया हुआ है ये पावर में, लेकिन माइनस की। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम किस में, ये किसका होता है अगर क्यूब देखा जाए आपका? 64 का क्यूब, बाहर क्या था? -2/3 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ जाएगा अगर आप देखो? अगर यहां पर ओपन करूं मैं, 1/4 की पावर कितना हो जाएगा? ये -2, 1 की पावर होगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये 4 कहां आ जाएगा? ऊपर। अब इसे क्या लिख सकता हूं? 4 × 3 की पावर -2/3, 3 से 3 कैंसिल। अब यहां पर क्या बचेगा आप देख सकते हो आसानी से, ऊपर क्या आ गया आपका? ऊपर लाने की जरूरत तो पड़ी नहीं अब इसको, यहां पर 4 की पावर -2, इससे ये कैंसिल। आपका आखिरी में आंसर कितना बचा? 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आया है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की। 4 की पावर -2, अगर ऊपर लाना चाहते ऊपर भी ला सकते थे, -2 से +2 हो जाता, ये +2 हो जाता है -2, तो क्या हो जाती 4 की पावर 0, जिसका मतलब क्या होता? 1। लेकिन हमें लाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा? 4 की पावर -2, और अपॉन में कितना था? 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 कैंसिल, आपका कितना आ गया यहाँ पर? 1। तो 1 है आपका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में काफी पूछे गए हैं। और फ्रेंड, जिन्होंने अभी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF, ऑफ टू नंबर्स
इक्वल टू 8. किसी दो संख्याओं का HCF कितना है? दो संख्याएं हैं जिनका, अब आपसे बोला गया, ऑप्शन में दे दिए गए आपको ऑप्शंस 24, 60, 48, 32. ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, आपसे बोला गया निम्न में से कौन सी संख्या इन दो नंबर्स का जिनका HCF दिया गया है ना, उसका एलसीएम नहीं होगी. देखो, निम्न में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं होगी, किसका? इन दो संख्याओं का जिसका एचसीएफ आपको दिया गया 8. तो कुछ मत करो, आपको वो चेक करना है ना, जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा ना, वो हो जाएगी आपकी वो संख्या जो एलसीएम नहीं हो सकती है इन दोनों नंबर्स का. देखते हैं कैसे. 8 का भाग करो यहां पर, कितनी बार गया? 3 बार, मतलब ये सही है, ये एलसीएम हो सकता है उन संख्याओं का. फिर आप आ जाओ 60 पे, 60 पे भाग करके देखो 8 का जाता है क्या. 8, चलिए ठीक है, 8 7 56, 8 8 64, मतलब इसमें भाग पूरे तरीके से नहीं जा रहा. तो ये वो संख्या है जिसमें 8 का भाग नहीं जा रहा. मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको नंबर्स दे दिए, उसका दे दिया HCF. अब आपसे पूछा गया है, बताओ वह संख्या कौन सी होगी निम्न में से जो इन दो संख्याओं का LCM नहीं हो सकती, जिसका महत्तम समापवर्तक आपको दिया है. तो लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक का भाग हमेशा जाता है अगर वो सेम संख्याओं का हो. मतलब देख लेते हैं, अब देखो यहां 8 का जा रहा है, हाँ 6 times, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. कौन सा नहीं हो सकता था? जिसमें भाग नहीं गया. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. यदि दो संख्याओं का योग 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 22 है तथा उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, मतलब उन संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा. देखिए क्या दिया है, देख लेते हैं. दो संख्याएं हैं हमने मान ली x और y, अब इनका योगफल मतलब प्लस कितना है, 22. फिर आपको क्या दिया है दूसरा, हम गिवन पे फोकस करेंगे यहां, क्या जो आपको दिया गया. अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं दोस्तों जिससे हमारा आंसर आ जाए. तो मैंने मान लिया 1 और 2, तो फ्रॉम 1 मैं 1 को देखूंगा, देखो कितना आसान हो जाएगा. 1 क्या दिया, x प्लस वाई. तो जब भी ऐसा होना, और आपसे पूछा क्या गया है यहां पर, x इंटू वाई क्या होगा, तो आप कुछ मत करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको स्क्वायर की वैल्यू दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस दिया गया है उनका एडिशन कितना है, और आपसे पूछ ले जाए कि मल्टीपल कितना होगा उन दोनों संख्याओं का, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ होल स्क्वायर कर दो इसका. क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो. करो होल स्क्वायर इसका, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 22 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अगर हमने करा, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों साइड होगा, तो आपका कितना जाएगा 484. अब यहां पर क्या है, अगर यहां देखो आप, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 404, ये कितना था 404, आपका कितना हो गया 404 प्लस 2 into x into y, तो आपका x कितना है वो देखना है हमें, y कितना है वो देखना, उनका मल्टीपल देखना है. तो इसमें x और y की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जाएगा, देखते कैसे. अब 404 इस साइड गया, माइनस हो जाएगा xy इक्वल टू 80 अपॉन, तो आपका कितना आ गया 40. तो मतलब जो x इंटू वाई था आपका, वो कितना हो जाएगा यहां पर 40. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्क्वायर करके कैसे करेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं. यदि 6 बराबर रूट 6 बराबर, तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहां हमें बताना है इक्वल में क्या आएगा. तो देखो बहुत आसान पैटर्न है, कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं दोस्तों. ठीक है, यहां पर देख लेते हैं. अब ये रूट 2/3 और रूट 3/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन दोनों का क्या ले लिया एलसीएम. अब इसका यहां पर मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस रूट 3 का इसमें हुआ तो 3. ठीक है, समझ में आ रहा होगा वो आपको, है ना. यहां पर हमने जोड़ा कितना हो गया, देखो रूट 2 एलसीएम लिया तो कितना आया यहां पर रूट 6.
अब यहां पर जब आप करोगे एलसीएम के बाद तो ऊपर क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू मतलब टू, रूट थ्री इंटू रूट थ्री मतलब थ्री, फाइव बाय रूट सिक्स आ गया यहां पर, है ना। अब रूट सिक्स की वैल्यू आपको दी गई थी फ्रेंड्स, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, लग टफ रहा था, 2.45 कैंसिल किया दो बार तो डायरेक्ट ही दिख रहा हो जाएगा भाई, बचा कितना 0.10, है ना, बचा कितना 0.10, तो 0.10 जब आपका बचा है यहां पर, ये 2 आ गया पॉइंट, फिर 0 लगाया, 1 बचा था, 1 को आपने करा तो 1, तो आपका ठीक है पॉइंट लगाने पे क्या हो गया, कितना बचा यहां पर 0.10। अब आपका यहां पर क्या देखना है आपको, 0.10 तो बचा, अब नीचे 2.45 कैसे भाग जाएगा भाई, नहीं जाएगा, तो हम क्या करें यहां पर भाई, हमने पॉइंट लगा दिया तब भी कितना बनेगा ये 1, एक पॉइंट ही तो हटेगा तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन क्या 1 में जाएगा 2.45 का, नहीं, फिर हमने एक 0 बढ़ा दिया तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 10। अब कितनी बार जाएगा इसमें, तो देखो ढाई का कितनी बार जाता है 10 में, 4 बार, ढाई 4 गुणे ढाई से कम है मतलब कितनी बार चले जाएगा 4। तो देखो पॉइंट में आपका सॉल्यूशन आसानी से हो गया 2.04। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम यहां पर क्या फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान पैटर्न था ये। 40 ग्राम 1 किलोग्राम के दशमलव भिन्न में क्या होगा, देखो मतलब क्या बोला गया है, 40 ग्राम को अगर हम किसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, 1 केजी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या होगा केजी के रिस्पेक्ट में, भिन्न आ जाएगा ना, मतलब डेसिमल में आ जाएगा अगर केजी में लिखेंगे उसे, तो भाई केजी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या होगा, ग्राम में किसका डिवाइड कर दोगे, ग्राम का साइन हटाना है ना, केजी बनाना है इसे, हाँ बनाना है जी, तो 40/1000, तो ये किसमें हो जाएगा, जब भी आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना हो आप 1000 का कर दिया करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा आप भाग करके देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 0.04 किलोग्राम। देखो ये क्वेश्चन बताने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आ चुका है ग्रुप डी में और इस तरह के पैटर्न काफी पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम इसमें माइनर मिस्टेक कर देते पॉइंट की, डेसिमल गलत लगा देते, वो ध्यान देना है फ्रेंड्स हमको, इसलिए मैंने ये आपको बहुत अच्छे से मेंशन करके यहाँ पर बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन और जो कैलकुलेशन पे बहुत छोटे से क्वेश्चन आते हैं इन्हें हम कर तो सेकंड में सकते हैं लेकिन हम बहुत बड़ी गलतियां करके गलत आंसर लगाते हैं, वो हमें ध्यान देना है। अब बोला गया किसी संख्या का 1/5, माना संख्या क्या है भाई x है, उसका 1/5 कितना है भाई, कितना दिया आपको 20, अब आपको क्या निकालना है उसका 4/5, तो कुछ मत करो यहां पर किसका मल्टीप्लाई हुआ 4 का, तो 20 में भी किसका कर दो, तो ये हो गया आपका आंसर, आई होप क्लियर होगा, 1/5 दिया था, देखो अगर 1/5 की जगह कुछ और दिया जाता तो मुझे चेंज करना पड़ता, हाँ करना पड़ता, मुझे यहाँ से निकालना क्या पड़ता x, अगर आपको वो संख्या निकालने को बोला जाता 5 का गुणा करो यहाँ पर x बराबर 100 और फिर आपको 4/5 निकालना होता, देखो मैं हर तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ 80। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड अगर आप डेली बेसिस पे क्लासेस देखोगे तो आप लोग और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, आप लोगों का ग्रुप टी का जो ये एग्ज़ाम है निकलना डन हो जाएगा, बस आप अच्छे कदम सही ट्रैक पर चलते रहिए, हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपकी जितनी हेल्प हो सके करेंगे, ठीक है। प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का बोला गया है, प्राकृत प्रथम तीन, देखो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये मैंने बोला प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का तो 1, 2, 3, प्रथम तीन सम प्राकृत संख्याओं का तो फिर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, इनका गुणनफल, प्रथम तीन विषम, समझ लो मेरी बात, अगर ऐसा आता तो प्रथम तीन प्राकृत संख्याएं कौन सी जाएंगी सम में, अब देखिए संख्या 5 भी हो सकती है कि प्रथम तीन 5, प्रथम 5 पूछ ले तो आप 5 का गुणा, हमने प्रथम तीन बोला था 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 48, 5 दिया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड कि हम कैसे इन ट्रिक्स को आसानी से कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम आपके साथ और भी, जो ये क्लास 1 थी, आज के लिए शुक्रिया आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, आने वाले वीडियो में हम आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी डिटेल शेयर करेंगे जो आपको आपके पेपर निकालने में बहुत मदद करने वाली है। अगर आप हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू डेली बेसिस पे देखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा है फ्रेंड्स, और हम डेली बेसिस पे कम से कम 2 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, 2 क्लासेस आपकी डेली अपलोड होंगी, तो मस्ट वॉच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.